क्यों गणेश? और आप व्यर्थ चिंतित हो रही हैं, जिसे विस्मय समझकर सभी स्वयं से दूर रखते हैं। महादेव तो उसे भी सप्रेम अपनाते हैं, जिसके कारण वो भयंकर नाग भी उनके भक्त बन जाते हैं। नाग का आभूषण नहीं, ये उचित नहीं है। नाग शिव का होगा आभूषण, किंतु मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ ऐसा नहीं करेंगे। जलंधर जी, कहिए, क्या आप अपने स्नेह से इस नाग को अपना भक्त बना सकते हैं? भक्ति तो शक्ति से ही जागृत होती है। अपनी शक्ति से सबको चुका दूंगा मैं, इस नाग को भी। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर किसी के वश में नहीं रह सकता। क्या हुआ नवीन भगवान जी, हमारे अभिषेक से आपको आनंद नहीं आया? आएगा, आनंद आएगा, अवश्य आएगा। अभी के अभी ये देखो। प्रेम से नहीं, आतंक से, अपनी अपार शक्ति से आतंकित करूंगा समस्त संसार को मैं, और सभी को अपना भक्त बनाऊंगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। शासन करना जानता हूं मैं, विरोधी को मसलना और उसका दमन करना भी जानता हूं। क्रश कर दूंगा सभी को मुझे भगवान मानने के लिए, क्योंकि उनका वास्तविक भगवान अब मैं हूं। नहीं, मैं जलंधर को इस नाग को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। जलंधर जी, ये क्या प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्या लगता है आपको कि इस नाग का अंत कर आप नवीन भगवान के रूप में स्वीकार कर लिए जाएंगे? नहीं, मुझे तो इसमें भी आपकी असुरक्षा का भाव ही दिखाई दे रहा है। नाग मेरे पिताश्री को प्रिय है, इसलिए आपकी असुरक्षा और ईर्ष्या दोनों जागृत हो उठी है। बस यही बात है ना? उचित कहते हो तुम गणेश। सर्वप्रथम इन्होंने हमें शरण देने का ढोंग किया, हमसे अपना अभिषेक करवाया, हम पर और अपनी ही पत्नी पर वार भी किया, और अब इस निरपराध नाग का वध कर अपनी शक्ति दर्शाना चाहते हैं ये। मैंने अनेकों असुरों को देखा है गणेश, किंतु ये जलंधर उन सभी से अधिक दीनहीन और असुरक्षित प्रतीत होता है मुझे। असुरक्षा का भाव नहीं है मुझमें। देखो मुझे, शक्तिशाली हूं मैं, अत्यंत बलवान हूं मैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। जाने दिया उस दुष्ट नाग को। अब बलश्रेष्ठ इन शिव पुत्रों को असुरक्षा के भाव से परिचित करवाएंगे। मात्र कहने से, स्वयं को भगवान घोषित करने से कोई भगवान नहीं बनता। अभी तो भगवान को तो संसार के लिए बड़े दायित्व उठाने पड़ते हैं। जलंधर जी, भगवान बनने योग्य कोई भी कार्य किया है क्या आपने? हाँ, संसार का समस्त चक्र तो महादेव के अनुसार ही चल रहा है। सूर्य देव पूर्व से ही उदित होते हैं, चंद्रदेव रात्रि में ही अपने प्रकाश से समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। आम के वृक्ष पर आम का ही फल आता है, नदी बहकर सागर में ही विलीन होती है, अग्नि से समस्त संसार को उष्मता ही प्राप्त होती है, और पुष्प सदैव सुगंध ही देते हैं। जीवन के सभी क्रियाकलाप पिताश्री महादेव के द्वारा नियत नियमों पर ही आधारित है। आपने तो मात्र इस मिथ्या कैलाश का निर्माण भर किया है, किंतु आपका आदेश कौन स्वीकार कर रहा है? कौन मान्यता दे रहा है आपको? विशाल आकार लेकर
ऊंचे स्वर में स्वयं को भगवान पुकारने से क्या भगवान बन जाएंगे आप? नवीन नहीं, मिथ्या भगवान है आप। संपूर्ण ब्रह्मांड के यदि कोई भगवान है तो वो है महादेव शिव शंकर, जिन्हें सब भोलेनाथ भी कहते हैं और जिनके अनुसार पूरी सृष्टि कार्य कर रही है। महादेव महादेव महादेव, इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, कुबेर, उपस्थित हो मेरे समक्ष अभी क्या भी। कदाचित हमारी युक्ति सफल हो रही है भैया, अब बस आगे आगे देखते जाएं। नवीन भगवान जलंधर जी, आपने हमें बुलवाया? बुलाया, अवश्य बुलाया। सुनो तुम सभी, तुम्हारा नवीन भगवान होने के नाते मेरा आदेश है तुम्हें, आज से तुम्हारे समस्त कार्य मेरे नियमों के अनुसार होंगे। और वो नियम बहुत सरल है, आज तक तुम जो भी करते आए हो कल से उसके विपरीत करोगे। सौर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से उदित होगा, पश्चिम से? किंतु परंतु कुछ नहीं, मेरा आदेश है उसका पालन करो। और अग्निदेव तुम शीतल हो जाओ, हवन और यज्ञ में प्रज्वलित नहीं होंगे तुम। और वरुण तुम अब किसी भी जल के स्रोत में जल प्रवाहित नहीं करोगे। और तुम चंद्र, तुम ऐसा करो, तुम रात्रि में प्रकाश देना वर्जित कर दो, ऐसा करो दिवस में आओ। और तुम वायुदेव, तुम स्थिर होकर श्वास वायु का प्रवाह रोक दो। किंतु मैं स्थिर हो गया तो सभी प्राणी श्वास रहित होकर मृत्युलोक को प्राप्त हो जाएंगे। शांत हो जाओ। और कुबेर, तुम संसार का समस्त धन मेरे भवन में भेज दो। तुम आज से धन के स्वामी और संरक्षक नहीं, आज से वो समस्त धन मेरा, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का। और इंद्रदेव, स्मरण रहे, आज से न विद्युत होगी न मेघ न वर्षा, समझ गए? बन गए नियम। हाँ जी, ये कैसे संभव है? हमारे कार्य हमें महादेव ने निर्धारित किए, और यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे तो सृष्टि अपना नियमित संतुलन खो बैठेगी, सर्वनाश होगा प्रभु। और हम जो भी कार्य करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसके पीछे गुण कारण है, और महादेव के अनुसार। बस बात हुई महादेव की महिमा स्तुति, अब मैं हूं महादेव। मैं आज से मेरे समक्ष शिव के नाम का उच्चारण मत करना। कौन है ये शिव? नियम स्थापित करने वाला भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की सत्ता में एक मेरा ही नियम रहेगा, और तुम उन नियमों का पालन करोगे, अन्यथा इस बार ये ऊर्जा नीचे नहीं गिरेगी, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। अपने आप को अति महत्वपूर्ण समझने की भ्रांति मत पालो देवताओं, क्योंकि यदि भगवान जलंधर चाहे तो तुम सब के स्थान पे अभी के अभी नवीन देवता स्थापित कर दे। इसलिए यदि अपने पद पर बने रहना चाहते हो तो अपने नवीन भगवान जलंधर के आदेशों का पालन करो और अपना अपना कर्तव्य निभाओ। अच्छा, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से।
दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। हेलो, मैंने कहा जाओ। चलिए भैया, अब हमारे भी जाने का समय आ गया है। हाँ चलो गणेश। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? उनके पास। किन के पास? अरे उन्हीं के पास। स्पष्ट कहो किन के पास? विचित्र है आप जलंधर जी, दुविधा में ही डाल देते हैं। स्वयं आदेश देते हैं कि आपके समक्ष उनका नाम मत लेना, और अब उन्हीं का नाम लेने के लिए विवश भी कर रहे हैं। हाँ, महादेव के पास जा रहे हैं हम। क्यों? अब वहाँ जाकर कोई और षड्यंत्र रचना है क्या? नहीं परम देवी, जलंधर जी ने संसार के नियमों में इतने भारी परिवर्तन कर दिए हैं कि जिनकी सूचना तो हमें शिव जी को देनी ही होगी, क्योंकि ये परिवर्तन तो उन्हें कदापि नहीं भाएंगे। नहीं भाएंगे उसे, तब तो अवश्य जाओ, जाओ। हाँ, उससे कहना मत भूलना, अति शीघ्र नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर शिव के भी नवीन कर्तव्य निर्धारित करेंगे। ये दोनों यहाँ आए थे तो इतना उपद्रव मचाया था इन्होंने। मुझे शंका हो रही है कि कहीं वहां जाकर कोई और संकट ना उत्पन्न करे हमारे लिए। अच्छा, जैसी आपकी आज्ञा नवीन भगवान जलंधर जी। स्वयं शिव पुत्र मेरा संदेश पहुंचाएंगे शिव को। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर प्रसन्न हुआ। नहीं नहीं, मेरी शंका निराधार है। प्रिय बलश्रेष्ठ तो सर्वशक्तिमान है, भगवान है, कोई संकट उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। कितना भी अट्टहास कर लीजिए जलंधर जी, अब पिताश्री का क्रोध अवश्य जागृत होगा और उसके पश्चात फिर शेष नहीं रहेंगे आप। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। क्या हुआ, आप सभी इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं? वो पिताश्री, सभी देवता अपने अपने संशय दूर करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। संशय? कैसा संशय देवराज? देवगण? देव, मुझे आपसे ज्ञात करना था कि मैं अपने वज्र का क्या करूं। वज्र का क्या करूं? ये कैसा प्रश्न है देवराज? ओ, आपको ज्ञात नहीं है? क्षमा कीजिए महादेव, मैं बताता हूं। वास्तव में मुझे अपने वज्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ना मेघ होंगे, ना वर्षा होगी और ना विद्युत, और उनसे आने वाले तूफान भी नहीं होंगे। तो महादेव, मेरा वज्र तो व्यर्थ ही हुआ ना। मैं सोच रहा था क्यों ना इसे आप ही के समक्ष छोड़ दूं। और हाँ महादेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं स्वर्गलोक के राजभवन को भी बंद कर देता हूं। ये क्या कह रहे हैं देवराज? प्रभु, इंद्रदेव की तरह मुझे भी कुछ कहना। मैं अपने रथ का क्या करूं और सूर्यलोक का? मैं सोच रहा था कि मैं अपने रथ को यहीं आपके पास ही छोड़ देता हूं, कैलाश में। हाँ महादेव, और चंद्रलोक का क्या करें, मुझे भी बताने की कृपा करें। प्रभु, अब जब समुद्र और नदियों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तब मैं भी सोच रहा था कि आपसे अनुमति लेकर तप के लिए चला जाता। अब तो यही उचित है वरुण देव, सर्वथा उचित है। अब संपूर्ण प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु श्वास रहित होकर अपना जीवन त्याग रहे हों, मुझसे उनकी ये दशा नहीं देखी जाए। अब तो महादेव अनुमति दें तो मैं भी कहीं दूर निकल जाऊं। महादेव, क्या मैं नंदी और गणों की सहायता ले सकता हूं? ये सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? हाँ
कुबेर देव जी, भैया और मैं भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि अब नवीन कैलाश तक सृष्टि का समस्त धन कोष पहुँचाना कोई सरल कार्य तो नहीं। आपको जितनी भी सहायता प्राप्त होगी कम ही होगी कुबेर जी। बस शांत हो जाइए आप सभी। क्या आप में से कोई एक बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? या आप सभी क्या कह रहे हैं? हाँ देवराज, जलंधर की धूर्तता का उत्तर हमें चतुराई से देना होगा, और चतुराई इसी में है कि हम सब मिलकर उनकी प्रशंसा करें, उसके अहंकार को बढ़ावा दें, जिससे वो पिताश्री को चुनौती देकर उनसे युद्ध करे और विनाश के मुख में प्रवेश कर जाए। पिताश्री, मैं क्षमा चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा कर देंगे, किंतु मुझे और अन्य देवताओं को ये सब करना पड़ा, आपसे ये सब कहना पड़ा, क्योंकि जलंधर की समस्या का हल तो युक्ति से ही संभव था, जिससे कि आप स्वयं उनको दंड देने के लिए तत्पर हो जाएं। आपको मैं बताता हूँ पिताश्री, जलंधर जी ने तुम्हारा वास्तविक भगवान मैं हूँ। मेरा आदेश है तुम्हें, आज से तुम्हारे समस्त कार्य मेरे नियमों के अनुसार होंगे। पिताश्री, देवता अब विवश हो चुके हैं। जलंधर ने स्पष्ट कहा है कि यदि अब उसकी अवज्ञा हुई तो वो सभी को दंडित करेगा। ये सत्य है पिताश्री, किंतु आपने तो पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि आप न जलंधर से कुछ कहेंगे न उनके विरुद्ध कुछ करेंगे। हाँ, मैंने अवश्य कहा था, जब तक वो सृष्टि को हानि नहीं पहुंचाएगा, जब तक कोई बड़ा अपराध नहीं करेगा, तब तक मैं उसे दंडित नहीं करूंगा। उचित है प्रभु, किंतु प्रतीत तो ये हो रहा है कि उसका बड़ा कदम किसी बड़े अपराध से कम नहीं। हमारा देवत्व व्यर्थ हो गया प्रभु, इसीलिए हमारे होने न होने से और देवता पद पर आसीन होने न होने में कोई अंतर नहीं है प्रभु। अब तो अतिशीघ्र इस सृष्टि का सर्वनाश निश्चित। आपको सतर्क रहना होगा प्रिय बल श्रेष्ठ, आपको स्मरण तो है ना कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने आपसे क्या कहा था? कभी भी किसी भी अवस्था में आप शिव अथवा उसके कैलाश के निकट कभी नहीं जा सकते। सृष्टि के चक्र को विपरीत दिशा में चलाकर, उसके सभी नियमों को भंग कर जलंधर ने वो अपराध किया है जिसका दंड उसे अवश्य प्राप्त होगा। वृंदा, जलंधर मूर्ख नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है जलंधर, भगवान है जलंधर। वृंदा, तुम निश्चिंत रहो, मैं स्वयं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, किंतु यदि किसी ने मुझे चुनौती दी तो कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। मुझे भय कि कहीं प्रिय बलश्रेष्ठ से ऐसी कोई भूल ना हो जाए जो उन्हें संकट में डाल दे। उत्पन्न हुए इस ऊर्जा को सहन करना कठिन है। स्वामी का रोष घातक होगा सृष्टि के शत्रु जलंधर के लिए। पिताश्री की ऊर्जा तो विकराल रूप धारण कर रही है। अद्भुत,
ये क्या है? तीव्र भूकंप मेरे कैलाश में कैसे? वशिष्ठ, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ नष्ट भ्रष्ट क्यों हो रहा है? मेरे कैलाश पर किसी ने आक्रमण किया है। ये तो कौन है वो दुशासी? वशिष्ठ, इतना दुस्साहस तुमने कैसे किया जलंधर? सृष्टि के नियमों को भंग कर उसके चक्र को विपरीत दिशा में गतिशील करने का कैसे आदेश दिया तुमने? सृष्टि और उसके नियमों के साथ क्रीड़ा का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अधिकार तो तुम्हें नहीं है मेरे कैलाश में आकर मुझे भयभीत करने का। कौन हो तुम दुस्साहसे? महादेव हूँ मैं और मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया कि वो मेरे नियमों को भंग करे। फिर भी मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, अपने किए का पश्चाताप कर लो। मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर मुझसे क्षमा मांग लो जलंधर। क्षमा? मैं जलंधर, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, कला भी नहीं रहे तुम्हारे नियम, नहीं रहा तुम्हारा समय। मैं हूँ वास्तविक भगवान और अब मेरे ही नियम स्थिर है। वृंदा, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। यदि यही चाहे तुम्हारी तो उचित है। आओ युद्ध करो मुझसे, विजय प्राप्त करो मुझ पर और देवताओं को आदेश देने के लिए स्वतंत्र हो जाओ। युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा, पराजित करूंगा तुम्हें शिव। अपराजय हूं मैं। आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे, शिव से युद्ध नहीं करेंगे आप। वृंदा, सुना नहीं तुमने? शिव ने चुनौती दी है मुझे, ललकारा है मुझे। स्वीकार करूंगा उसकी चुनौती, युद्ध करूंगा उससे। हीरो नहीं हूं वृंदा, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। श्रेष्ठ, आप असुर गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को क्यों भूल रहे हैं? जाओ जलंधर, किंतु स्मरण रखना, कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना। महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। आप कैलाश जाकर महादेव के समक्ष नहीं जा सकते, मुझे भय है कि भय। तुम्हारे भय का कोई कारण नहीं वृंदा, ये मत भूलो। तुम्हारा पति हूँ मैं और जब तक तुम जीवित हो मेरा कोई वध नहीं कर सकता। पराजित करूंगा शिव को, चुनौतियां नष्ट करूंगा उसकी। एक छत्र साम्राज्य होगा हमारा, सदा के लिए भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर और शक्ति के रूप में स्थापित होगा और तुम होंगी शक्ति। जब तक तुम जीवित हो मुझे कोई भय नहीं। मैं संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए तुमने मुझे शुक्राचार्य के पास जाने का सुझाव दिया। इसीलिए आज भी वही असुरी वृंदा बनो जिसने मुझे सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर को अपने वश में कर लिया था। वृंदा, अपने भीतर वही शक्ति जागृत करो और मेरा बल बनो। मेरी दुर्बलता नहीं, मेरा जाना अनिवार्य है, इसलिए मुझे अस्त्र देकर विदा करो। मैं चिंतित अवश्य हूं किंतु आपकी प्रेरणा भी तो नहीं, आपकी दुर्बलता नहीं बनूंगी मैं, आपकी विजय की कामना करूंगी। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, आप ही हैं संसार के भगवान। Thank you.
सावधान रहिएगा बलश्रेष्ठ। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं वृंदा। मेरे विजयी होकर लौटने तक मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु आलिंगन करेगी तुम्हारा। शिव ने चुनाव दे दिया है मुझे, स्वीकार करूंगा उसकी चुनौती, युद्ध करूंगा उससे। कैलाश से सदैव शिव ने चुनाव दे दिया है मुझे, ये दूरी ही तुम्हें तुम्हारे अंत से दूर रखेगी। युद्ध करूंगा उससे। श्रेष्ठ, कदाचित कैलाश जाने का उनका निर्णय बदल दिया है उन्होंने। मैं तो यही कामना कर रही थी कि वो कैलाश ना जाए। वृंदा, मुझे तो जाना होगा, किंतु जाने के पूर्व एक अभेद कवच का निर्माण करूंगा, जिससे ये भवन और तुम सुरक्षित रहोगी। भवन सुरक्षित है, और जब तक तुम सुरक्षित हो वृंदा, मैं सुरक्षित हूँ। ये बलश्रेष्ठ, जब तक मेरे तन में प्राण है, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ सुरक्षित है, किंतु मैं फिर भी इतनी विचलित क्यों हूँ? भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अपने अंतिम पादा को भी मिटाएगा। आदेव, आ रहा हूं मैं। महादेव और जलंधर के मध्य प्रारंभ होने वाला युद्ध बड़ा विनाशकारी होगा, सर्वत्र विनाश का कारण भी बनेगा। उसके फलस्वरूप सभी प्राणियों को अपार पीड़ा भी होगी, किंतु इस कुटिल जलंधर का अंत करने के लिए यह युद्ध अति आवश्यक भी है। निवासी शिव, पाराओ, आ गया मैं। बहुत चुनौतियां दे रहे थे, आओ पाराओ, करो युद्ध मुझसे।
जलंधर अपनी मृत्यु के मुख में प्रवेश कर चुका है। पिताश्री के इस प्रकार शांत होने का अर्थ है शीघ्र उनके क्रोध का ज्वालामुखी फटने वाला है। महादेव की एकाग्रता, उनकी स्थिरता इस बात का संकेत है कि उनका क्रोध अब इस दुष्ट का संहार करेगा। हमारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। भयभीत हो गए क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि, मूढ़ मूर्ख बुद्धि का यही परिणाम होता है। अहंकार भरा दुस्साहस का परिणाम होता है सर्वनाश। अपने बल के भ्रम में महादेव से उसी प्रकार युद्ध करने आ गया है वो मूर्ख। जैसे एक मूषक सिंह को चुनौती देने उसकी गुफा में प्रवेश कर जाए। दुष्ट धूर्त जलंधर को अब अपने समस्त कुकर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ महादेव? तुम्हें तो अवश्य लगा होगा कि तुम्हारी ललकार सुन के मैं भयभीत हो गया हूँ, तुमसे युद्ध करने नहीं आऊंगा। किंतु अनुचित था वो, जैसे तुम्हारा ये क्रियाकलाप अनुचित है, तुम्हारे सारे विचार अनुचित हैं। किंतु आप कोई चिंता नहीं, तुम्हारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। अनुचित को उचित करूंगा मैं, जिसका प्रारंभ हमारे इस युद्ध से तुम्हारी पराजय के साथ होगा। भैया, मुझे ज्ञात है इसके मुख से ये शब्द सुनकर इनके इस दुस्साहस से आप अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं, किंतु स्मरण रखिएगा भैया, हमने जो भी किया इसी परिणाम के लिए तो किया, जलंधर जी को कैलाश लाने के लिए किया। और अब जब वो यहाँ है तो हम उनके और पिताश्री के मध्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भैया हमें शांत रहना होगा। व्यर्थ गवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। तुम बाहर आते हो या मैं भीतर आके तुम्हें पार खींच लूं। हो गया है प्रतीत होता है। जलंधर प्रसन्न हुआ। नहीं, मुझे महादेव को रोकना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रुकिए महादेव। मुझे मत रोकिए नारायण। मुझे ज्ञात है कि जलंधर ने आपके प्रति, सृष्टि के प्रति बहुत बड़े अपराध किए हैं, परंतु यह भी तो सत्य है कि उसका जन्म आपकी क्रोधाग्नि से हुआ है। महादेव, यदि उसमें आपके क्रोध का अंधकार है तो आपकी अच्छाई के प्रकाश का अंश भी अवश्य होगा। हाँ महादेव, और अच्छाई और बुराई तो सभी में होती है, केवल उसके भीतर की अच्छाई को जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव, मुझे एक अंतिम अवसर दीजिए। हो सकता है कि मेरे समझाने पर जलंधर समझ जाए, क्योंकि यदि आपके और जलंधर के मध्य युद्ध हुआ तो आपकी जय तो निश्चित है, परंतु उसके पश्चात युद्ध के जो परिणाम होंगे वो अत्यंत भयंकर होंगे। युद्ध तो वैसे भी किसी समस्या को सुलझाने का अंतिम उपाय होता है, तो जलंधर को समझाने में हानि ही क्या है? आपके ही आदेशानुसार सृष्टि का पालनहार हूं मैं। आप निश्चिंत रहिए, सृष्टि को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा।
जलंधर अपने अज्ञानता, अपने अहंकारवश ये सब कर रहा है। हो सकता है मेरे समझाने से वो समझ जाए और सृष्टि से इस महायुद्ध का संकट टल जाए। अब मैं कैसे हस्तक्षेप करूं पिताश्री और मामा जी के मध्य? उचित है नारायण, स्मरण रखना, ये उसका अंतिम अवसर होगा। आप निश्चिंत रहिए महादेव, यदि जलंधर मेरे समझाने पर भी नहीं समझा तो सबसे पूर्व उसे मुझसे युद्ध करना होगा और मैं ही उसका शीश विलग भी करूंगा। मामा जी, मेरे कुछ कहने के पूर्व, आपको ये बताने के पूर्व कि जलंधर का वध तो मात्र पिताश्री कर सकते हैं, आप प्रस्थान भी कर गए। आज भी हो तुम पार किरिया दे सर, बस नारी बस करूंगा तुझे। आरा भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का संयम टूटा है, भगवान से प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं, इसका उचित दंड दूंगा तुम्हें मैं। विशाल काय प्रतिछाया किसकी है? कौन है विशाल काय पक्षी जो मुझ पर मंडराकर अपने मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है? अच्छा, अब समझा, पराजय के भय से तुम्हारा वो शिव स्वयं नहीं आ सका तो उसने तुम्हें भेज दिया मुझसे युद्ध करने। बड़ी विचित्र और हास्यास्पद बात है ये, मुझे चुनौती देकर तुम्हारा वो शिव स्वयं कहीं जाकर छिप गया। अब मैं तो आ गया किंतु वो मेरे समक्ष आने से संकोच कर रहा है, भयभीत हो गया लगता है। जलंधर प्रसन्न हुआ। जलंधर, जिन महादेव की क्रोधाग्नि से तुम उत्पन्न हुए हो उन्हीं महादेव का अपमान कर रहे हो, सर्वथा अनुचित है ये। क्या प्राप्त होगा इससे तुम्हें? महादेव, ब्रह्मदेव और मैंने वर्षों के तप के पश्चात सृष्टि के नियमों को स्थापित किया और तुम उन्हीं नियमों को नष्ट करना चाहते हो, और कारण क्या है इसका? मात्र तुम्हारे अहंकार की तुष्टि, तुम्हारे बल का प्रदर्शन। जो तुम कर रहे हो उससे सृष्टि ही नहीं रहेगी तो किस पे अपना अधिकार स्थापित करोगे तुम? किसे दिखाओगे अपना बल? भूल सभी से होती है जलंधर, परंतु महत्वपूर्ण है उसे समझकर उचित पथ पर लौटना। अभी भी देर नहीं हुई है जलंधर, महादेव क्रोधित है तुमसे, परंतु यदि तुम उनके समक्ष जाकर उनसे क्षमा मांग लोगे तो वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। भोले भंडारी हैं वो, अहंकार त्याग दो जलंधर, जाओ उनके शरण में, क्षमा मांग लो उनसे, टाल दो इस महायुद्ध को और अपने सर्वनाश को। सर्वनाश, सर्वनाश होगा, अवश्य होगा, किंतु मेरा नहीं, तुम्हारे शिव का। पराजित करूंगा शिव को और फिर वैकुंठ आऊंगा। उचित कहा ना नारायण, शरण में तो आना होगा, मुझे नहीं, तुम सबको
मेरा सेनागत बनना होगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं, जलंधर हूँ मैं। पराजित करूंगा तुम त्रिदेवों को मैं। जलंधर का अहंकार तो वन की उस अग्नि के समान है, जो एक बार प्रारंभ होती है तो फिर सर्वत्र विनाश के बाद ही बुझती है। अहंकार रूपी बुद्धि का विकार व्यक्ति को अंधकार की ओर ले ही जाता है, और जब उसकी अति हो जाए तो फिर जिसमें अहंकार का वास होता है उसका संहार होकर ही रहता है। मैं इस विचार से यहाँ आया था जलंधर कि तुम्हें तुम्हारी रक्षा का एक अवसर दूंगा, परंतु प्रतीत होता है तुमने वो अवसर भी खो दिया है। तुम कौन होते हो मेरी रक्षा करने वाले? तुम करोगे मेरी रक्षा? मेरी, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की। ये कहकर तुमने मुझे अपमानित करने का दुस्साहस किया है। गरुड़, आनंद आएगा। अब तुम्हें पराजित करने में नारायण। जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जलंधर तुम्हें। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था किंतु तुमने वो भी खो दिया। अब तुम उसका परिणाम भुगतो। नारायण ने जलंधर का अंत कर दिया। मैंने तुम्हें सुधरने का एक अवसर दिया था किंतु तुम तो सभी सीमाएं लांग है। उसी का दंड है ये। गरुड़, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे मृत्यु दंड देने चले थे, मुझे, मैं अमर हूं क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को। जब तक मैं जीवित हूं कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, ये कैसे संभव है? भगवान नारायण ने तो जलंधर के उदर में छिद्र रूपी घाव किया था, किंतु ये तो कुशल है।
और फिर वो इतने ऊंचे स्वर में क्यों चिल्ला है? प्राप्ति। सूर्यदेव, असुर गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को अष्ट सिद्धियां प्रदान की हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, इशिता और वशिता प्रदान करता हूं। अष्ट सिद्धियां? पिताश्री, इनके साधक को तो अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्राप्ति सिद्धि के बल पर साधक कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कैसा भी निर्माण कर सकता है। जलंधर ने इसी सिद्धि के बल पर पुनः पूर्णता प्राप्त की है। फिर तो उसे पराजित करना अत्यंत कठिन होगा। किंतु इतने सशक्त प्रहार के बाद भी वो सिद्धि का प्रयोग करने में सक्षम है, इसका आश्चर्य भी है मुझे। स्मरण रखो तुम सभी, जब तक मेरे प्राण है, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ का कोई वध नहीं कर सकता। कोई वध नहीं कर सकता मेरा, कोई नहीं। नारायण पुनः मेरी ओर आने का दुस्साहस कर रहा है। वाशिदा, 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 वाशिदा। वाशिदा सिद्धि का प्रयोग किया है इस धूर्त ने। इस दुष्ट जलंधर ने तो अपनी सिद्धि का प्रयोग कर गरुड़ को सम्मोहित कर अपने वश में कर लिया है। तो वो कभी नहीं भूलेगा। अब शिव को पराजित करने की बारी है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, ज्ञात नहीं क्या हुआ था मुझे। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। इसमें आपका कोई दोष नहीं है गरुड़ जी। चलिए इस समस्या को मैं एक ही बार में समाप्त करता हूँ। जी प्रभु। क्या होगा नारायण के प्रहार का परिणाम?
नहीं, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ कांत कभी नहीं हो सकता, ये कदापि संभव नहीं है। नारायण ने जलंधर के तन को अनेकों भागों में खंडित कर दिया और गरुड़ पर उसके सिद्धि प्रभाव को भी दूर कर दिया। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि संकट अभी पूर्ण रूप से टला है इंद्रदेव। किंतु गणेश जी, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उधर देखिए, जलंधर का तन अनेकों भागों में खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। संकट टल चुका है, उसका अंत हो चुका है। किंतु गणेश, जलंधर की मृत्यु तो पिताश्री के हाथों होनी है, तो फिर ये कैसे संभव है? असंभव है ये। गरुड़ जी, अब समय आ गया है प्रस्थान करने का, अब यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, चलिए। जलंधर का हाथ पुनः गतिमान कैसे हो रहा है? जलंधर पुनः जीवित कैसे हो रहा है? प्रिय बलश्रेष्ठ भगवान है, मैं उनकी शक्ति हूँ और उनकी शक्ति उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये हो क्या रहा है? जलंधर के खंड तंग अभी तक जीवित कैसे? जलंधर का अंत पिताश्री के हाथों ही नियत है, किन्तु ये मामा जी को ज्ञात नहीं। यदि जलंधर पुनर्जीवित हुआ तो मैं उसका वध पुनः करूंगा। मुझे मामा जी को ये बताना ही होगा कि जलंधर का वध उनके द्वारा नियत नहीं, अन्यथा वो बार बार जलंधर का वध करते रहेंगे और वो दुष्ट पुनर्जीवित होता रहेगा। मामा जी सुनिए। गणेश, तुम यहाँ? मामा जी, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जलंधर पिताश्री की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए पिताश्री के हाथों ही उनका वध संभव है। इस अवस्था में तो हमें महादेव के पास ही चलना चाहिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। देखो, मैं अभी भी जीवित हूं और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये तो गरुड़ जी को नीचे खींच रहा है। अति की तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ी इस दुष्ट ने, जो अब ये मामा जी के वाहन गरुड़ जी को भी आहत करने का प्रयास कर रहा है। प्रभु, मेरे भ्राता को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है ये दुष्ट। क्या भागोगे नारायण? <आ, laughs>
तुम्हारे स्वान को नीचे खींच के ले जाऊंगा नारायण। प्रभु जलंधर छोड़ दो गरुड़ जी को, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो कदाचित उससे विपरीत है जो मैंने जलंधर से कहा था। अब उस मूर्ख के बचाव का कोई मार्ग नहीं। नारायण की वाह से मेरा अंत कदापि नहीं हो सकता, किंतु यदि मैं आहत भी हुआ तो नारायण को उसके वाहन से मुक्ति दिलाने के सुनहरे अवसर को गवा बैठूंगा मैं, जो भगवान सर्वश्री जलंधर कभी नहीं मिलेगा। बस जलंधर, अब तुम्हें रोकना ही होगा मुझे। प्रभु प्रणाम माँ। माता काली, ये देवी कहां से उत्पन्न हो गई? देवी महाकाली का क्रोध तो अत्यंत विनाशक होगा। हाथ कंपन क्यों आ रहा है? मेरे हाथ क्यों छू? ये माता काली रुक क्यों गई? हाँ, स्तब्ध रह गई है देवी मुझे देखकर। चढ़ोगे पांव इस देवी के, असमर्थ है आगे बढ़ने में, मुझ पर वार करने में। आओ काली, मुझे सिर्फ समझने की भूल कर बैठी हो क्या? कोई बात नहीं, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। किंतु देवी मैं शिव नहीं, उससे भी महान मानतम भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। मेरे स्वामी, जगत पिता महादेव से अपनी तुलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने अहंकारी असुर?
आओ काली आओ, देख रहे हो शिव, शरणागत बनने आ रही है तुम्हारी देवी। शर्म नहीं, कदाचित आक्रमण करने आ रही है ये। कोई बात नहीं, आक्रमण कैसा भी हो विजय तो मेरी होगी। कोई भी स्त्री ये कदापि सहन नहीं करेगी कि कोई अन्य पुरुष उसके पति का स्थान लेने का प्रयास करे। महादेव से अपनी तुलना कर देवी काली के प्रचंड क्रोध को जागृत किया है जलंधर ने। स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है, क्योंकि यदि एक नारी सहनशील होती है तो अन्याय का संहार करने के लिए अपनी अपार शक्ति का संचार भी कर सकती है। इसलिए देवी काली के द्वारा जलंधर का अंत अब निश्चित प्रतीत हो रहा है। स्वामी, आपकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है ये, और स्वयं को आपसे भी बड़ा समझने की उद्दंडता कर रहा है। इसका उचित दंड अवश्य प्राप्त होगा इसे। माँ, आप जलंधर को दंड अवश्य दे सकती हैं, किंतु उनका अंत तो पिताश्री के द्वारा ही संभव है। उठिए बलश्रेष्ठ, उठिए, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि आप भी वास्तविक भगवान हैं। उठिए बलश्रेष्ठ। उठूंगा, अवश्य उठूंगा मैं। यक जलंधर, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर पर वार करने की बहुत बड़ी भूल की है तुमने। नारायण, इस दुष्ट का वध तो मैं ही करूंगी, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अत्यंत कुपित है देवी काली, इस समय उन्हें कुछ कहना उचित नहीं होगा। उनका अपराधी है जलंधर, जिसका दंड तो उसे प्राप्त होना ही चाहिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। काले, तुम्हारे इस रूप से आतंकित नहीं हूं मैं, आज साधारण से नहीं, भगवान सर्वश्री जलंधर हूं मैं। तुम नहीं, मैं करूंगा तुम्हारा भक्षण अपने विशेष अस्त्र से। तेरे इस पाप मुख से अब एक भी अनुचित शब्द का उच्चारण उचित नहीं है उद्दंड असुर, अब तेरा अंत निश्चित है। असुर, तेरी मृत्यु तेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरा नहीं, मेरे मार्ग में बाधा बनने वालों का अंत होगा आज।
कोई वध नहीं कर सकता मेरा, कोई नहीं। ये क्या है? इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं? तुम्हारी प्रत्येक वार का उपाय है मेरे पास। देवी होगी तुम, किंतु मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं। मूर्ख जलंधर, दया निधान है, न्यायप्रिय है महादेव। तू उनके प्रति अपराध पर अपराध करता गया और वो तुझे क्षमा करते गए, किंतु उनकी दया को उनकी दुर्बलता समझने की जो भूल तूने की है, उसका उचित दंड मैं दूंगी तुझे। तेरे साथ तेरी दुष्टता का भी अंत करूंगी मैं। माता काली के हाथों से भी दंड का भागी है ये दुष्ट, किंतु इनका अंत तो तभी होगा जब पिताश्री इनसे युद्ध करेंगे। जलंधर के अंत का आरंभ है ये, देवी काली का रोष उसे चीर के रख देगा। प्रिय भश्रेष्ठ का अंत तो असंभव है, क्योंकि मैं जीवित हूँ। ये देवी उन्हें ताड़ना कैसे दे रही है? कोई भी हो, कैसी भी शक्ति हो, मुझे ही पराजित नहीं कर सकती। ये क्या है? मुझे अपने पास में बांध लिया इसने। जलंधर, अब तुझे खींचते हुए ले जाऊंगी महादेव के पास क्षमा याचना करने। भगवान सबसे जलंधर का सम्मान करा भी नहीं सोंगा। माता, जो नियति द्वारा निर्धारित है वो तो होकर ही रहेगा। उचित है बलश्रेष्ठ, उचित पाठ सिखाइए इसे। काले बस जलंधर, अब और अवसर नहीं दूंगी तुझे। देवी हो तो देवी बनी रहो, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस मत करो। जलंधर नहीं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूँ मैं। देवी काली से उलझकर
जलंधर ने बहुत बड़ी भूल की है। संसार की समस्त शक्ति की स्रोत स्वयं आदि शक्ति की रौद्र रूप है वो, उनसे किसी का पार पाना असंभव है। माता ने भुजाहीन कर जलंधर को दंडित तो कर दिया, किंतु मैं उस क्षण की प्रतीक्षा में हूँ जब उनके अंत के साथ संसार इस संकट से मुक्त होगा। उस दुष्ट जलंधर को आभास तो अवश्य हो गया होगा कि भगवान तो क्या, वो तो उनके चरणों की धूल बनने के योग्य भी नहीं। देवी काली उचित दंड दे रही है जलंधर को। अरे मेरी भुजा, मेरी भुजा मेरी ही तन से विलख करती से। दुष्ट जलंधर, अपनी इसी भुजा से नारायण पर वार करने का अपराध किया था तुमने, तो लो तुम्हारी भुजा को तुम्हारे तन से विलख कर दिया है मैंने। अपने अहंकार में सृष्टि के चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर सृष्टि में व्याप्त जीवन को डसना चाहते थे ना तुम, तो अब जीवित ही लील जाऊंगी मैं तुम्हें, आहार बनाऊंगी अपना, आहार बनाऊंगी अपना, आहार बनाऊंगी अपना, आहार कुछ करके नहीं मारा चला। युद्ध करना तो युद्ध करो मायावनी, ये क्या कर रही हो, यार चित है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। देवी काली, उन्होंने जलंधर के महासंकट का अंत कर दिया। संकट अभी समाप्त नहीं हुआ, मुझे शंका है वो पुनः उभरेगा। ये नहीं हो सकता, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ उस देवी के उदर में कैसे समा सकते हैं। साधारण असुर नहीं हूं मैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। अंत असंभव है मेरा, मुझे रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। देखा, मुक्त हो गया, अभी गया अभी। ये तो माता काली के नियंत्रण से मुक्त हो गए, उनके उधर से बाहर आ गए। मुझे विश्वास था, जानती थी मैं कि मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ का कोई अहित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये कैसे?
कैसे संभव है? माता बार बार आघात कर इसका वध कर रही और प्रत्येक बार ये पुनः जीवित हो उठता है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि पिताश्री के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति जलंधर का वध नहीं कर सकती। पिताश्री जलंधर आपकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप और एकमात्र आप ही उसका अंत कर सकते हैं। हाँ पिताश्री, यही सत्य है। एकमात्र आपके ही द्वारा जलंधर का अंत संभव है। मेरी क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ है तो मेरा क्रोध इसे दंडित करने का कारण बनेगा। अब मेरे और जलंधर के मध्य कोई नहीं आएगा।